आज की इस 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ऑफिस स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग विषय पर उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के सहयोग से आयोजित होने जा रही है, इस कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माननीय कुलपति, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी, आदरणीय प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी, निदेशक स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीता रावत, निदेशक यू सर्क, प्रोफेसर एच एस नयाल, कुल सचिव उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट, डायरेक्टर इंचार्ज स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज, सभी विद्या शाखाओं के निदेशक एवं ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रेस्पेक्टेड स्पीकर्स, सभी प्रतिभागी, आप सभी लोगों का हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करने का कष्ट करें। डॉक्टर भट्ट, सभी को मेरा नमस्कार। माननीय कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी सर, आदरणीय प्रोफेसर दुर्गेश पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रोफेसर गिरिजा पांडे, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिता रावत, निदेशक यूसर, प्रोफेसर एच एस नयाल, कुल सचिव उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, सभी विद्या शाखाओं के निदेशक, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से उपस्थित सभी गणमान्य प्रतिभागियों का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आज की इस 5 दिवसीय कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गोपाल दत्त हैं। यह कार्यशाला जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑफिस स्किल तथा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग विषय पर स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय तथा यूसर्क गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से 8 से 12 नवंबर 2021 तक आयोजित की जा रही है। और इस कार्यशाला में मुख्य रूप से कौशल विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से डिजिटल प्रमोशन स्ट्रेटजी, मोबाइल तथा सोशल मीडिया एप्लीकेशन इन डिजिटल प्रमोशन, वीडियो चैनल, यूट्यूब मैनेजमेंट, इम्प्लॉयबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स इन डिजिटल पब्लिसिटी वर्ल्ड, वर्क एथिक्स, वर्क कल्चर, लाइफ स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसके अतिरिक्त एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ ई लर्निंग मॉडल, ई ऑफिस मैनेजमेंट, गूगल फोटोज, डिजी लॉकर, फाइनेंशियल एंड साइबर लिटरेसी, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। इस 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में कुल 15 लेक्चर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिवस में 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। उम्मीद है कि प्रत्येक सत्र इंटरेक्टिव और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आधारित होगा, जिससे कि रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले कौशल को और निपुण एवं प्रभावी बनाया जा सके। मैं पुनः आप सभी का इस 5 दिवसीय कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह कार्यशाला स्किल डेवलपमेंट एवं स्किल इन्हेंसमेंट के क्षेत्र में एक सफल कार्यक्रम के रूप में शामिल होगा। पुनः सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि निदेशक यूसर्क प्रोफेसर अनीता रावत मैम का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैम, थैंक यू, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आपका जो वक्तव्य है, आपका जो अभिभाषण है, वो प्रस्तुत करें। उससे पहले कि मैं दो शब्द
प्रोफेसर अनीता रावत मैम के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर अनीता रावत हैज बीन एक्टिवली एंगेज्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च फ्रॉम द लास्ट 25 इयर्स इन द फील्ड ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। प्रोफेसर रावत हैज पब्लिश्ड मोर देन 35 रिसर्च आर्टिकल्स। She has worked as environmental consultant to European Union and World Bank projects. She has been conferred with prestigious W.S. Atkinson Award of EU. She has the honor of being the first women registrar and controller of examination of Veer Madhav Singh Bhandari Uttarakhand Technical University. She has credited many more awards. So, मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर रावत आप अपना वक्तव्य अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। प्रोफेसर रावत। थैंक यू गोपाल जी। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जी प्रोफेसर ओपीएस नेगी, डायरेक्टर स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, प्रोफेसर जीपी पांडे, प्रोफेसर नयाल, डॉक्टर आशुतोष भट्ट, डॉक्टर गोपाल दत्त कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस वर्कशॉप, और समस्त फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स एंड आर साइंटिस्ट फ्रॉम द यूसक फैमिली, अकाडमिशियंस फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, आई ऑन बिहाफ ऑफ यूसक हार्टली वेलकम यू ऑल on this 5-day workshop on digital technologies, office skills, and technology-enhanced learning. It gives me immense pleasure to be here amongst our students and faculties. I convey my appreciation to the organizers for putting up their efforts in strengthening the bond between students and their mentors. I heartily welcome Professor O.P.S. Negiji, the Vice Chancellor of Uttarakhand Open University. I know him personally for a long time. He's been a renowned academician and man of words and hard work. His persistent endurance and efforts have brought Uttarakhand Open University to new heights and widened its horizon. I extend my heartfelt thanks to our Professor Durgesh Pantaji for being with us. I know him personally for a very long time as well. And I have seen his dynamism and his commitment for the Uttarakhand and for development of science and technology in Uttarakhand. His vision has brought USERC to its heights and rather opened many perspectives for its smart functioning. I also wish to thank Dr. Ashutosh Bhatt, Dr. Gopal, and the whole organizing team. USERC, since its inception in 2005, has constantly been encouraging a meaningful association between students, researchers, faculties, and academic institutions. We believe in providing a platform for free exchange of ideas, innovations, and the research endeavors. Today's workshop on digital technologies and technology advanced learning is a step forward in that direction. Focusing on the holistic concept of this workshop, I would just exchange my views. As we all know that education is a social institution and which works in association with the other institutions of the society. And
But education has to be related with the life, and it should nurture democratic and positive ethical values and bring a social change. Being a teacher, and we also have the students, the teacher and the students, they are the true instrumental in bringing out this social change. We are the true ambassadors of this social change, as we all know that education is the panacea for all types of social, environmental, and economic sufferings. I'm of the opinion that two focal points, the education and capacity building, they are the only things which can lead to the solutions ahead. And the capacity building process, it involves the improving your abilities, your skills, your expertise towards enhancing and knowledge. And you have landed up on a platform which will provide you opportunities, which will provide you incentives and channels to strengthen up your knowledge. Now it's up to you to choose from. And it's really high time where you have to transform your perception from I need to learn to I need to know. We, in this era of rapid technological transformation, the changes which are taking place, the higher education institutions, they themselves are facing new challenges every day. So to make ourselves stand firmly in global technological competitions and standards, we'll have to foster a complete ecosystem of creativity, ingenuity, and entrepreneurship development in our institutions so that our students, they can take up the social changes and they come out with scalable and sustainable technologies for the wider applications. So we'll have to refresh and upgrade our technological know-how and skills for our students, for faculties, and for our researchers to keep them abreast with the new advancements in their respective fields. So to put a firm step in this direction, organizing such workshops, they can really create a conducive environment of learning. I'm sure all the deliberations and discussions on this 5-day workshop would be fruitful, informative, and enlightening to our faculties and to our students, and would certainly pave a way for skill enhancement, technological advancements, and would help in, would lead in to helping their steps in Skill India program, and would culminate into the new excellent startups. I once again congratulate Uttarakhand Open University and our young team of organizing team, Dr. Gopalji, Dr. Ashutoshji, for organizing this well-conceived workshop. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much for your valuable words. और आपने इतने सूक्ष्म नोटिस पर, इतने कम समय पर, इतना व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद जो है हमसे जुड़ने का कष्ट किया, इसके लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आप हमसे जुड़े अपने इस बिजी शेड्यूल के बावजूद। थैंक यू सो मच मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी से कि आप आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द कहें। मैंने प्रोफेसर गिरिजा पांडे सर से बहुत ही कम समय अंतराल में सर को अवगत कराया कि आपको जो है इसमें दो शब्द कहने हैं और आपने ज्वाइन करना है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इतने कम समय में आप हमसे जुड़े। थैंक यू सर। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी एक रेनाउंड और नोटेबल हिस्टोरियन हैं। तो सर हैं मैं अनुरोध करता हूं कि नाउ
हैंड ओवर टू गिरिजा पांडे सर। धन्यवाद गोपाल जी इस आमंत्रण के लिए, आपने मुझे अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म में अपनी बात को रखने के लिए। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति और आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीता रावत, डायरेक्टर यूसर, हमारे कुल सचिव प्रोफेसर एच एस नयाल साहब और आप सब लोग जो इस आयोजन समिति के हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म को मैं मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया है। हालांकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं इस विश्वविद्यालय में वोकेशनल स्टडीज से बड़े लंबे समय तक जुड़ा रहा और मेरे ख्याल से अभी 2 साल ही हुए हैं मुझे इस स्कूल से और दूसरे कार्यों को कंधे पे लेने के कारण इसको छोड़ना पड़ा है। आपने ये जो कार्यशाला रखी है ये आज के इस युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है डिजिटल टेक्नोलॉजी। मुझे याद आ रहा है आज से कोई 15 साल पहले एक मशहूर पुस्तक आई थी और वो भी हमारे उत्तराखंड के ही एक विद्वान प्रोफेसर पीसी जोशी ने लिखी थी, संचार क्रांति और उसका युग, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एन इट्स एज, बहुत ही क्रिटिकल किताब थी और दुनिया में आज इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। और दुनिया के जो सबसे चर्चित फिलोसोफर हैं नोम चामस्की, उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया है इस टेक्नोलॉजी को लेकर के, मीडिएशन मीडियटाइजेशन की वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी एक समाज को रूपांतरित करने में, उसको ट्रांसफॉर्म करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। और हम देखते हैं आजकल जो चर्चा में सबसे ज्यादा जो विद्वान इस समय हैं यूएल नोआ हरारी, वो तो ये कह ही रहे हैं कि आज जो होमो सेपियंस है, इट हैज बिकम नाउ द साइबर्ग। तो साइबर का तात्पर्य ये है कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन काइंड एंड 80% ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक ऐसा समय जिस समय 80% से ज्यादा मनुष्य के जो हाव भाव हैं, उसके अभिव्यक्तियां हैं, उसके कार्यक्रम हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट हो रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से आज के युग में अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ सिंक कर सकें, इसको अपनी बेहतरी के लिए, अपनी व्यक्तिगत या अपनी निजी विकास के लिए, अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकें, साथ ही पूरे समाज के लिए भी इसका उपयोग कर सकें। क्योंकि टेक्नोलॉजी ठीक उसी तरह का टूल है जिस टूल के को हम न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट हुई एनर्जी के रूप में देखते हैं कि ये हमको एक बहुत ही बेहतरीन जीवन देने के लिए उपयोगी हो सकती है और ये हमारे विध्वंस के भी लिए भी उतना ही बड़ा उपकरण हो सकती है, जिसकी बार बार चर्चा की जा रही है और पेगासस के रूप में आपने टेक्नोलॉजी को देख लिया है। तो एक चैतन्यशील समाज होने के नाते, एक चैतन्यशील मस्तिष्क होने के नाते, हम किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं और हमारा सारा जो कार्य क्रियाकलाप है वो टेक्नोलॉजी आधारित है। हमने इस बात को देखा, हम इसको प्रयोग भी कर रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे ज्ञान को आगे बढ़ा सकती है और इसकी जो सीमाएं हैं अनंत हैं। एक ऐसे युग में जब हमारे पास संसाधनों की कमी है, मैडम ने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि हाउ इट हैज टू बी सस्टेनेबल एंड हाउ इट हैज टू बी स्केलेबल। तो स्केल की जब हम बात कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, उसको आम मस्तिष्क तक पहुंचाने की हम बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होती है। मैं एक ही उदाहरण से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। डोमेस्टिका आर्ट दुनिया में क्रिएटिविटी की सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसमें न केवल चित्रकार, न केवल छायाकार, न केवल रचनाकार
अपनी रचनाओं को आपस में एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बल्कि एक ऐसा विमर्श पैदा करते हैं जो दुनिया में नई फिलॉसफी, नए पैटर्न, नए ट्रेंड्स को आगे बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है कि यदि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर सकें तो हम डोमेस्टिका की तरीके से अपने आम व्यक्ति के लिए, आम युवा के लिए, आम उस मस्तिष्क के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके भीतर रचनाशीलता है, जिसके भीतर क्रिएटिविटी है, जिसके भीतर क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको हम एक ऐसा मंच उपलब्ध कराते हैं, एक ऐसा उपकरण उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से वो समाज में अपना अहम योगदान उसको आगे बढ़ाने में कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप केवल हमारे भीतर कौशल विकास ही नहीं करेगी, बल्कि मेरे को उम्मीद है उस कौशल से कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे, चूंकि यूसर के इसमें प्रायोजक के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है, तो उत्तराखंड राज्य में उसके रूपांतरण में यूसर्क के माध्यम से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल कौशल विकास के क्षेत्र में, बल्कि समाज को एक बेहतर दृष्टि देने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, हम यदि इस कार्यशाला में उन विषयों को भी छू सकें तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है एंड इंटरनेट शेडो एरियाज की क्या हमारे लिए चुनौतियां हैं, ये भी हमें उत्तराखंड में दिखाई पड़ता है। मैं अभी पिथौरागढ़ गया था, जो कि जनपद मुख्यालय भी है, वहां पर से मैं अपने विश्वविद्यालय के कार्य को ऑनलाइन नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं थी। बहुत सारे बच्चे गांव में आज भी हैं जो जिनके पास विद्यालय नहीं है, लेकिन दुनिया भर के बहुत बेहतरीन मंच उनको मिल सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन हम टेक्नोलॉजी नहीं दे पाए। तो क्या हम अपने समाज को इस तरह से तैयार कर सकते हैं? हमारे ये जो विज्ञान के संस्थान हैं, जिनका एक तरह से उद्देश्य है कि अपने समाज को सशक्त बनाना, उसको टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड बनाना, क्या वो अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं या निभाएंगे? और हम एक शिक्षण संस्थान के रूप में क्या ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे? हमें इस तरह के वर्कशॉप में, इस तरह की कार्यशालाओं में इन विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर क्षेत्र, एक बेहतर राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करें। और जब हम एक बेहतर राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र के रूप में भी हम आगे बढ़ के आएंगे, जिसका सपना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्यशाला इस दिशा में लाभकारी होगी और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, यूसर्क का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के इस तरह की कार्यशालाओं के आयोजन को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्ञानपूर्ण उद्बोधन के लिए, जिससे हमारे चक्षु सबके, मुझे लगता है हमारे प्रतिभागी भी इससे जो है लाभान्वित होंगे, इस सोच से, इस विजन से कि हम टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से अपने सदुपयोग के लिए, अपने विकास के लिए, अपने राज्य की प्रगति के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल कर सकें। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आयोजक समिति की ओर से आपका, कि आपने इतना गूढ़ विचार, इतने चीज़ें हमसे साझा करी बेहतरीन इस मंच पर। हम जितने भी लोग दूर दूर से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सब तक अपनी बात हमें पहुँचाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम के इनॉग्रल सेशन के अंतिम चरण में हम लोग आ पहुंचे हैं, और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रोफेसर एचएस नयाल सर को, जो कि कुलसचिव हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रोफेसर नयाल सर। सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर अभिवादन। स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरजा पांडे जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीता रावत, डायरेक्टर यूसर, डॉक्टर आशुतोष भट्ट, इस कार्यक्रम के, इस वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गोपाल दत्त, सभी विद्या शाखाओं के निदेशक, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से उपस्थित सभी प्रतिभागी गणों का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूँ।
मैं विशेष रूप से हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीता रावत डायरेक्टर यू सर के प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के बावजूद हमारे बीच उपस्थित हुई और अपने मूल्यवान एवं उत्साहजनित विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें इसी तरह मिलता रहेगा। मैं उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः सभी सम्मानित अतिथियों एवं सम्मानित वक्ताओं एवं प्राध्यापकों का आभार व्यक्त करता हूं और संचालन समिति के सभी सदस्यों का इस वर्कशॉप की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।